भाई सुबह सुबह मम्मी पापा जा रहे हैं दुकान पे पूजा करने, मैं भी निकलता हूँ। और अपन अपन देख लो कैसे सोए थे भाई, ये देखो। और सिर्फ 3 घंटे, सुबह के 8 बज रहे। और कल रात में हमने डिनर नहीं किया, क्यों बताऊँ भाई? स्विगी वाला इतना कांड, मतलब क्या बताऊँ यार। एक बार ही स्विगी करा, मतलब 1 घंटा लगा, उसके बाद बंदा नहीं आया। फिर दूसरी बार करा, फिर 1 घंटा लगा, फिर बंदा नहीं आया, फिर हम सो ही गए, ठीक है। और रात में बिल्कुल नहीं खाया, लास्ट हमने लंच करा हुआ है, और अब हम फिर नहीं खाएंगे, पूजा के बाद आराम से खाएंगे। चल भाई चल ले। तो भाइयों तैयार हो गए हैं, पापा मम्मी सब कोई दुकान पे है, और पूजा वूजा करनी है बढ़िया से, होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी पहला शॉप है, बट दिल में दिमाग में ऐसा है कि पूरे इंडिया में होगा, बहुत सारे शॉप्स होंगे, हेल्थ कोर न्यूट्रिशन, हेल्थ कोर इंडिया, ठीक है। चलो लो भाई, पहुंच गए अपने दुकान, आज ही है ओपनिंग, और तुम्हें दिखा देता हूँ ओपनिंग डे के दिन कैसा दिख रहा है, ठीक है भाई। ये देखो भाई, ठीक है। अभी पूजा चल रहा है अंदर, और देख लो भाई, अभी मैं जा रहा हूँ पूजा में बैठने। ये मेरे दोस्त के भी पेरेंट्स आए हुए हैं, और ये देखो ऑफर्स, ठीक है। तो भाई सारे ब्रांड मिलेंगे, आ जाना। तो भाई वो आ गया अपना डोसा, और तुमको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, डोसा तो बहाना है, पानी पीने आया है, बिकॉज अपने रूम पे बॉटल नहीं है, और अपन पानी नहीं पी पाते। पी भाई। ये तुम्हें एक और अजीब चीज़ दिखेगी, बट डोसा बहुत टेस्टी है, बट जो मसाला है वो बाहर है और अंदर प्लेन है, बट हमने मसाले ही बोला है, बट यहाँ पे मसाला बाहर देते हैं। बैड चीज़ देखो, पंडित जी के हाथ में आईफोन 14 है। हाँ भाई पंडित जी भी आईफोन 14 रख रहे हैं। तो भाइयों 4 घंटे से हम दुकान पे हैं, सारे भाइयों ने काम करा है, इसने भी करा है, सबसे ज़्यादा मैंने किया भाइयों। तो भाई दुकान अपना रेडी है, मैं पुणे में ही हूँ, तो आओ भाई। देखो मैं तो दुकान पे रात को रहूँगा, जिम के बाद 6 से 9 लगा लो, 9 बजे हम क्लोज करेंगे। 4 घंटे से हैं वहाँ पे, रात के 1:30-2 बज रहे हैं, अब थोड़ा कुछ खाने वाने जा रहे हैं। यार मेरा ना बस फोकस ना हटे, नहीं हटेगा वैसे फोकस, बट वही है कि यार करियर वाइज भी करना है ना, पैसा वैसा भी कमाना है। तो और मेरे को हमेशा से लगता था कि कोई एक जेन्युइन मतलब हो बंदा जो सप्लीमेंट दे, तो ठीक है भाई अब जा रहे कुछ खाने पीने, रात के 2 बजे। ठंड लग रही है भाई, और भाई पुणे में अलग ही है सीन, रात को ठंड लगने लगती है, मतलब जैकेट वाली ठंड, इतनी ठंड है कि जैकेट चाहिए, मतलब सच में फट रही है। और ये अगस्त है भाई, दिसंबर में क्या होगा, ऐसी रहेगा। चलो बाबू भाई, अखंड चूतिया बंदा, इसका फोन फिर से रोड पे गिरा है, क्या ही चूतिया बंदा, वो बोले मेरे को दिख गया, नहीं तो ना फिर ना बेड पे। तो हम पे 2 ही कमरे हैं, तो इस वाले कमरे में मेरे मम्मी पापा है, उस वाले कमरे में मेरा दूसरा दोस्त शरण, उसके मम्मी पापा हैं, और हम हैं हॉल में सिंगल रूम में, और हम ऐसे सो रहे हैं। यही है भाई, बस एक्स्ट्रा गद्दे लेके आ गए, गुड नाइट। ठीक है भाई, भाई सबसे पहले जिम आ गए हैं, और भाई हमारे पास कंघी नहीं है, तो बाल भाई इसके तो सेट रहते हैं भाई, कहाँ मेरे सेट नहीं रहते हैं। और भाई एक टाइम था जब ये बंदा सुबह के 6-6 बजे, मतलब सुबह 6 बजे जाता था बंदी से मिलने, और 6 से उसके घर से पिक करके कब तक, 8-9 बजे तक बता रहा है यार, रहने दे, क्योंकि उसके घर वाले स्ट्रिक्ट थे, तो सुबह सुबह घर टाप आता था, ठीक है। फिर उसने काटा है, अब ये सबका काट रहा है भाई।
तो अगर तुम ब्लॉग देख रही हो और तुम इससे बात करती हो तो ये तुम्हारा काट रहा है भाई। तुम्हें पता है अभी बैचलर लाइफ जी रहे हैं तो डाइट हो नहीं पा रही है, सच बता रहा हूँ। दो दिन से बैचलर लाइफ में, अभी प्री वर्कआउट में सब्वे खाना पड़ा, अभी ये तो भाई मतलब देखो चीज़ें, पैसा भी तो कमाना है ना, पैसा भी ज़रूरी है, इसी के लिए यहाँ पे आए हैं बड़े शहर, ये वो हो जाएगा बट 3-4 दिन में मैनेज। अभी तो मम्मी आ रही है आज, तो 3-4 दिन सही डाइट हो जाएगी, वो कर देंगी। बाकी एक बार दुकान खुल जाए फिर मैं भी सेट हो जाऊँगा, फिर मैं भी कर लूँगा। ले भाई तेरी बहन की। तो भाई वो निकल गए हैं लौंडे वर्कआउट करके, ग्लो देख रहे हो फेस पे। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी देखने भाई, 2-3 गाड़ी दिखाएंगे, बता देना कौन सी चाहिए। कौन सी चाहिए भाई? Volkswagen Virtus, Skoda Slavia या Honda Civic। 20 लाख रुपए का बजट है, ठीक है कमेंट कर दो। तो भाई आ गए अपना शोरूम, ठीक है भाई आओ गाड़ी दिखाते हैं तुम्हें। ये है ब्लैक कलर, ठीक है थोड़ा गंदा है, बाकी वाइट वाला कहाँ है? तो वाइट नहीं है। अच्छा भाई वर्चस बताओ, कितने लोग वर्चस बोल रहे हो, कितने लोग स्कोडा स्लाविया बोल रहे हो, ये दो में कन्फ्यूजन चल रहा है। बाकी वरना भी सोचा था बट वरना बहुत कॉमन है। इसमें भी है वेटिंग क्या है ब्लैक में? ब्लैक में सिर्फ वेटिंग जाएगा, उसके लिए एक से दो महीना। तो भाई ये बताओ 20 लाख का बजट है, सेडान ही लेनी है क्योंकि क्लासी थोड़ा लगता है मेरे को, पहले से ही सेडान लेनी थी। तो ये देखो बजट की बात नहीं है, अभी 20 लाख की लेनी है, आगे चल के थोड़ा और अपग्रेड करेंगे। तो वर्चस है, स्लाविया है स्कोडा स्लाविया, और वरना है होंडा सिटी है, इस रेंज में होंडा सिटी थोड़ी सस्ती है। तो बताओ कौन सी ले, कौन सा कलर ले फाइनल। भाई ये है टॉप एंड है ना? हाँ टॉप लाइन। तो इसका जो एम्बिएंट है ना पूरा रेड रेड और ब्लैक थीम है, और ज़्यादा पावर है इसमें। बताओ कौन सी डन करी जाए? GT टॉप लाइन। ये बोल रहा है टॉप लाइन, 2.5 लाख का फ़र्क है, कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो भाई इसमें बहुत सारे फीचर्स अलग हैं, जैसे कि सनरूफ है, एम्बिएंट लाइटिंग है, सनरूफ नहीं टॉप लाइन में है सिर्फ। अच्छा टॉप लाइन में सिर्फ सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स है, ग्लव बॉक्स कूलिंग है। इसका टोटल प्राइस क्या पड़ रहा है? 19 लाख। भाई अभी तुम्हें गाना बजा के सुनाते हैं, वायरलेस है पूरा कनेक्शन। सिस्टम बजा सिस्टम। ताला लाके भर एक तेरे वारणे मोटर पे लक्ष्मी। भाई गाड़ी तो देख ली, दो गाड़ी में थोड़ा सा है बता दो, एक तो स्कोडा है, एक तो आपका वर्चस है। वर्चस में कौन सा हम लेने का सोच रहे हैं? टॉप लाइन। टॉप लाइन ठीक है, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो जो भी बंदे वर्चस महंगा है। वर्चस कितना महंगा है? 50,000 ही है। और 20 लाख के सामान में 50,000? भाई बता देना कमेंट में कौन सा बढ़िया है, किसी के पास होगा तो अपन फाइनल 1-2 दिन में कर ही लेंगे, और आपको वीडियो मिल जाएगी गाड़ी की, 1 हफ्ते 10 दिन में दे देंगे भाई। गाड़ी स्कूटी पे है वो भी गाड़ी लेने, वो भी रेंट, ठीक है वो भी रेंटेड है, ये 1 हफ्ते के लिए रेंट किया हुआ है, 2000 कितना 2500 में। हाँ तो भाई अपने पे अभी गाड़ी वाड़ी नहीं है यहाँ, तो स्कूटी से ही रेंट कर लिया था। इसकी बाइक है CBR, बट पता नहीं क्या चोर मची हुई है, इसने 1 हफ्ते से ट्रांसफर करा रखा है। दो हफ्ते से। उस बंदे ने कितना रुपए लिया? 8,000 रुपए लेके अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है। गाली तो हमने 2-3 बार दे दिया भाई, गाली देने से क्या होता है, वो तो मिलना है नहीं। अब जब आना है तो आना है, और CBR भी आ जाएगी अपने पे, गाड़ी भी रहेगी, फिर होगा रोला। ठीक है रोला क्या भाई, एशियंस तक कोई रोला नहीं है, ठीक है अपना रोला मेडल है, तेरा रोला बंदी है, ठीक है नहीं बन रही है बंदी यार। भाई वाइट तो थी नहीं शोरूम में, लेकिन शोरूम के बाहर वाइट दिख रही है, बताओ कौन सी कलर फाइनल करी जाए? ये है वाइट। अरे थोड़ा सा बहन साइड हो जाओ, अरे आगे आगे आगे, अरे थोड़ा साइड ले। हाँ भाई ये रही वाइट, ठीक है। तो भाई मेरे मित्र का कहना है कि वाइट ही बेस्ट है, अब मेरे को थोड़ा ब्लू पे आया था, बट बताओ आप कौन सा बेस्ट है भाई? तुम्हें सबसे मजे की बात तो बताई नहीं, मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आती भाई। बता भाई, जिस बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती वो 20 लाख की गाड़ी खरीद रहा है। मैं सिखा दूंगा भाई को, बाकी तो राम भरोसा है भाई।
मैंने पहले गाड़ी लेनी है, फिर गाड़ी सीखनी है एक हफ्ते, और फिर चलानी है। तब तक भाई ये बंदा इतना खुश है ना, क्योंकि इसको गाड़ी है क्लास 7-8 से चला रहा है, तो तुम्हें पता है कि आधे टाइम इसे गाड़ी चलाने मिलनी है। Yes. और बड़ा शहर है भाई, सारी मालबाजी मैं करूँगा। बंदियाँ बिना गाड़ी के नहीं पटनी भाई। इतना खुश है कि अभी तक बिना गाड़ी के बंदीबाजी हो रही थी, अब भाई के पास गाड़ी भी रहेगी, तो आई एक्सपेक्ट मोर रिजल्ट्स फ्रॉम यू। डेफिनेटली ब्रो। या आ गए भाई हो ज़ारा कल के लिए शॉपिंग करने। तू किस लिए कर रहा है? डेट पे जाना। कभी ना कभी जिंदगी में वापस 3-4 महीने कट करके एक बार वापस ये एप्स जरूर निकालेंगे, बिकॉज इतना मसल मांस बनाए क्यों। तो ये वाली फाइनल करते हैं, ठीक है। What's the point of this physique when I don't have a girlfriend? There is a point. It is because of the physique that I have so many viewers and I have money. But you don't have a girlfriend. I'll have a wife. भाई मुझे एक बात लगती है, मैंने जितनी naturally body बना रखी है ना, वो मैंने actually में दिखाई नहीं है, because cut नहीं हुआ है, fat है थोड़ा उसके कारण, because मेरे को लगता है मेरा muscle mass बहुत ज़्यादा है। भाई ये देखो, अब ये कट होगा ना जब, तो समझ में आएगा।